स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जो वीडियो है आज की वो कम्प्लीटली देखा जाए तो आईटीआई कॉलेज के लिए, आईटीआई कॉलेज संचालक या फिर ऐसे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर जो आईटीआई कॉलेज का लॉगिन आईडी पोर्टल को से हैंडल करते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, तो उनके लिए यूजफुल वीडियो हो सकती है। जनरली आप लोगों को पता है कि एग्जामिनेशन जुलाई में होने वाले हैं और इस समय कार्रवाई चल रही है H1 H2 यानी सेशनल मार्क अपलोड करने का, अटेंडेंस अपलोड करने का। तो कुछ तो पुराना प्रोसेस है जो आप लोगों को पता है, लेकिन इसमें कुछ नया प्रोसेस है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे आईटीआई वाला ऑप्शन में आप जाते हैं, यहाँ से आप अटेंडेंस क्रिएट कर रहे हैं सेशनल, दो चीज़ें तो आप ऑलरेडी कर देते हैं, अटेंडेंस और सेशनल मार्क यहाँ से अपलोड कर देते हैं, और एग्जामिनेशन फीस में आप क्रिएट करते हैं, फीस की लिस्ट आती है बच्चों की, वहाँ पर यस नो करना होता है कि जिसकी फीस रिसीव्ड है यस करना है, जिसका नहीं रिसीव्ड है नो करना है, उसके बाद आप कर देते हैं। लेकिन ये सारा प्रोसेस करने के बाद पहले जो पेमेंट होता था, फी पेमेंट होता था यानी CBT ऑनलाइन एग्जाम का, वो निम्मी के पोर्टल पर जाकर करना होता था, लेकिन अभी नीचे आप देखोगे नया ऑप्शन है बल्क फी पेमेंट। अभी जो है निम्मी के पोर्टल पर न जाकर पहले H1 H2 आप उनका जो अटेंडेंस है सेशनल मार्क है अपलोड कर लीजिए, उसके बाद फीस क्रिएट करके जो फीस बच्चा दिया है यस नो जो करना होता है वो कर लीजिए, उसके बाद जो बल्क फीस पेमेंट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके थ्रू आप जो है टोटल जो बच्चे हैं उनका एक साथ पेमेंट कर सकते हैं सेलेक्ट करके। यहाँ पर मैंने दो पेमेंट कर दिया था, दो पार्ट में, एक बार फर्स्ट ईयर के बच्चों को सेलेक्ट किया था, एक बार सेकंड ईयर के बच्चों का। तो आप सिंपल है, यहाँ पर मेन एग्जाम रहेगा और एग्जामिनेशन में एनुअल हो जाएगा, और सेशन जनरली देखा जाए 2021 के बच्चों को सेलेक्ट करना है जो सेकेंड ईयर के कहलाएंगे, और यहाँ पर देखिए सेकेंड ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिनका एडमिशन 2021 में हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, मेरा डेटा होपफुली यहाँ नहीं दिखाएगा, नो डेटा दिखा रहा है क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया है। मैं दूसरा यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले रखा हूँ उससे भी आपको दिखा दूंगा। इसी प्रकार से अगर फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं तो अगस्त 2022 यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फर्स्ट ईयर करना है और सर्च कर देना है, तो इससे पूरा डेटा जो है बच्चों का शो करने लगेगा आपको। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था कि बल्क फी पेमेंट पर हमने क्लिक कराया, जब भी आप क्लिक करोगे लॉगिन करके, लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ पर आप सेशन सेलेक्ट करोगे जो भी है 2022 अगर हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर ईयर में फर्स्ट ईयर कर दिया यहाँ पर, उसके बाद सर्च कर देंगे तो बच्चों की लिस्ट नीचे आ जाएगी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सभी दिखाएगा बच्चों का नाम। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक एक बच्चे को सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है एक एक बच्चे के ऊपर क्लिक करते जाओ और ऐड सेलेक्टेड, ऐड सेलेक्टेड हम तब करेंगे जब हम एक एक बच्चे का कर रहे हैं, कुछ बच्चों का नहीं करना है तो उसका बॉक्स हम खाली छोड़ देंगे जिसका नहीं करना है, जिसका करना है उसके ऊपर टिक कर सकते हैं, या फिर अगर सभी का करना है तो नीचे ऐड ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, ऐड ऑल पर जैसे ही क्लिक करोगे आप पूरा अपने आप सेलेक्ट होकर नीचे आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने ऐड ऑल किया तो टोटल बच्चों के यहाँ पर लिस्ट आ गई 55। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिशियन और फिटर दोनों हैं, कौन से हैं, ये फर्स्ट ईयर के हैं, सेशन 2022 लिखा हुआ है। अब इनमें से किसी को, जैसे हमने ऐड ऑल तो कर दिया लेकिन इसमें से एक दो किसी को पेमेंट से पहले, अभी हमने फीस पेमेंट नहीं किया इनका, उसके पहले रिमूव करना चाहें तो यहाँ पर देखिए रेड बना हुआ है बॉक्स, इससे आप डिलीट कर सकते हैं पर्टिकुलर उस बच्चे को। हालांकि पहले ही आप देख लीजिए, पहले जो यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन मिल रहा है यहीं पर देख लीजिए किस बच्चे का फीस आई है किसकी नहीं आई, उस हिसाब से यहाँ पर टिक करिए और ऐड सेलेक्टेड कर सकते हैं, जिससे जो सेलेक्ट किए हैं जिन जिन बच्चों को आपने उनका ऐड हो जाएगा नीचे, और ऐड होने पर उसी के अकॉर्डिंग जो है ओवरऑल आपको अमाउंट दिखाएगा फीस पेमेंट करने के लिए। जैसे आप यहाँ प्रोसीड टू पे यहाँ पर लिख रहा है ना, जब आप बच्चों को ऐड कर देंगे तो प्रोसीड टू पे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज इस प्रकार से आपका आईटीआई का नाम, कॉलेज कोड वगैरह, और दिखाएगा कितने बच्चे हैं, कितना अमाउंट आपको पे करना है। उसके बाद यहाँ पे नाउ पर आपको क्लिक करना होगा, पे नाउ क्लिक करने के बाद सिंपल जैसे आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अन्य प्लेटफॉर्म पे पेमेंट होते हैं जहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वगैरह देना है और नीचे पे नाउ पर क्लिक कर देना है, और जब पेमेंट आप कर देते हैं तो पेमेंट होने के बाद फिर एक लिस्ट निकलती है जो पेड लिस्ट होती है, जिससे ये पता चलता है कि कौन से बच्चे की फीस जमा है कौन से बच्चे की फीस नहीं जमा है। तो उसके लिए फिर से दोबारा आपको यहीं पर आना है जहाँ से आप बल्क पेमेंट कर रहे थे, क्योंकि लॉग आउट हो जाएगा, पेमेंट करेंगे जैसे ही आप ये यहाँ से पेमेंट करेंगे, UPI वगैरह से कर सकते हैं, QR कोड स्कैन करके सबसे आसान तरीका है, उसे ईजिली हो जाता है, उसके करने के बाद लॉग आउट हो जाएगा, अपने MIS पोर्टल दोबारा लॉग इन कीजिए और मेन्यू में आपको जाना है नीचे की तरफ और दोबारा बल्क पेमेंट वाले ऑप्शन जब जाएंगे तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी 2-2 शो कर रही है, मैंने दो बार पेमेंट किया था, एक बार फर्स्ट ईयर एक बार सेकेंड ईयर। तो अब इस ट्रांजेक्शन आईडी के ऊपर आपको क्लिक करना है, जब आप ट्रांजेक्शन आईडी के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे पूरे बच्चों की लिस्ट इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो बच्चों की लिस्ट अलग से आ रही है ये वो बच्चे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है ना ITI बल्क फी पे फी डिटेल्स, ये वो बच्चे हैं जिनकी पेमेंट जो है हो चुकी है। तो कंट्रोल पी करके इनकी डिटेल आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जिससे इन फ्यूचर कभी एडमिट कार्ड वगैरह के टाइम पर होता है कि डिटेल नहीं है इनका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उस प्रूफ के तौर पर इसको इस्तेमाल करने के लिए
आप रख सकते हैं। तो ये बल्क पेमेंट मेथड था आईटीआई कॉलेज के लिए, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे मैं अपने से करूंगा ऐसे करूंगा, तो वैसे लापरवाही में रिस्क हो जाएगा। आपके जो भी एग्जामिनेशन फीस वगैरह है आप अपने कॉलेज को जमा कीजिए और टाइमली इस चीज़ को कर लीजिए आप लोग। और मेरा सभी आईटीआई कॉलेज से निवेदन भी है कि आप लोग इस प्रोसेस को लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए पहले ही कर लीजिए। एक दो बच्चों का डाउट है तो उसको अपने जेब से फीस देते हुए पहले करके खाली रहने में बेनिफिट ये रहेगा कि कई बार पेमेंट फेल हो जाता है तो एक दो दिन का उसमें भी समय लगता है, कई बार पेमेंट होने के बाद भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो एनसीवीटी से कन्वे बातचीत करने में परेशानी होती है। तो लास्ट डेट में अगर हम आप पेमेंट करते हैं तो समस्या हो सकती है, इसलिए समय से पेमेंट करें तो अच्छा रहेगा। बाकी अगर स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो ग्लोबल आईटीआई चैनल सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर लगातार आईटीआई परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोग क्लासेस यहाँ पर डेली की डेली क्लासेज अपलोड हो रही हैं। तो आप लोग भी एग्जाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ग्लोबल आईटीआई जरूर जुड़िए। बाकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कार्रवाई हो रही है, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए। आप लोग अपना जो भी कार्रवाई है एनसीबीटी पोर्टल में जो इस समय चल रही है, अटेंडेंस की है, सेशनल मार्क की है, एग्जामिनेशन फीस की है, सब कुछ कंप्लीट करवा लीजिए, क्योंकि इस समय अगर आप नहीं करवा पाते हो तो बाद में आपको बहुत समस्या होगी। और 2 दिन पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देखिए सिंपल से एनसीबीटी ने बोला था प्लीज़ आस्क योर इंस्टीट्यूट टू फिल योर एलिजिबिलिटी बिफोर ड्यू डेट ऑन 10th जून। एनसीबीटी खुद कह रहा है कि अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए और इस प्रोसेस को कंप्लीट आप लोग करवा लीजिए। तो मैं भी मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी अपने सभी दोस्तों से क्लासमेट से जितना हो सके उतना बताइए कि सब लोग 10 जून से पहले अपना जो प्रोसेस है। अब जैसे अगर आप पहले कर दोगे तो कॉलेज को भी आसानी होगी, पेमेंट तो पहले करके फ्री हो जाएगा, टेंशन फ्री रहेगा। अगर आप लास्ट में कॉलेज पर जाओगे तो उसकी वजह से अन्य बच्चों का भी नुकसान होता है ना। तो इस काम को करना ही है तो जल्दी कीजिए। थैंक यू।